राष्ट्र वंदन समिति के तत्वावधान में प्रति माह होने वाले भारत माता की आरती के दिन स्वच्छता संदेश को आगे बढ़ाते हुए समिति के सदस्यों ने स्वच्छता के लिए भारत माता के समक्ष शपथ ग्रहण किया। शपथ में उन्होंने सौगंध ली कि वो सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करेंगे और प्लास्टिक का इस्तेमाल पूर्णतया बंद कर देंगे। इससे पूर्व महापौर सत्या पांडे, डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी, विजय खेमका सहित अन्य लोगों ने नगर निगम की स्वच्छता कर्मी हमीदा बेगम को अंग वस्त्र माला पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए समिति के संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा, तो हमारे राजा महाराजा से नहीं, लता खेमका जी और पूर्व महापौर डॉक्टर में जसपाल भैया, ओम प्रकाश सिंह भी अंदर है। शपथ लेती हूँ कि मैं सिंगल प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम कर लूंगी। मैं प्लास्टिक फैलिया का इस्तेमाल नहीं करूंगा या करूंगी। मैं स्वच्छता के लिए प्रयासरत रहूंगी या रहूंगा। मैं अपने समाज, अपने घर, अन्य स्थानों पर गंदगी नहीं फैलाना। मैं अपने जीवन काल में कम से कम 10 वृक्ष लगाऊंगा या लगाऊंगी और उनका पालन पोषण करूंगा या करूंगी। मैं भारत माता को स्वच्छ और सुंदर बनाने हेतु अपना योगदान दूंगी या दूंगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। स्वच्छता अभियान की जय। स्वच्छता अभियान की जय। जैसा कि आपको ज्ञात है, राष्ट्रवंदन समिति युवाओं में राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम की भावना को बढ़ाने के लिए प्रतिमा भारत माता की आरती का आयोजन यहाँ करती है और प्रतिमा आरती से पूर्व वह समसामायिक विषयों को लेकर के उसको थीम बना करके कुछ ना कुछ कार्यक्रम करती है। आज आरती से पूर्व हमने मोदी जी के स्वच्छता कार्यक्रम सिंगल यूज प्लास्टिक के विरोध में और स्वच्छता को बढ़ाने के बढ़ावा देने के लिए हमने शपथ लिया है और साथ में एक महिला स्वच्छता कर्मी जो हम सबका गंदगी साफ करती हैं, दिन भर अपने परिश्रम करती रहती हैं, उनको यहाँ पे अंगवस्त्र देकर के सम्मानित किया गया है। क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश पूरे भारत में मोदी जी ने दिया हुआ है कि हम भारत को गांधी जयंती तक हम स्वच्छ करके करेंगे। इसी क्रम में हम लोग ने भी किया है और अब सिंगल यूज प्लास्टिक का भी सब लोग के ध्यान में आए कि यह इसका इस्तेमाल बहुत अनावश्यक रूप से हो रहा है। इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे जागरूकता के लिए कार्यक्रम किया है।